नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्राची, ईएनटी एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट पंचकुला शहर में। आज हम बात करेंगे टॉन्सिलर स्टोन्स के बारे में। टॉन्सिल में स्टोन होना या टॉन्सिलोलिथ होना, टॉन्सिल में सफ़ेद दाग होना, ये बहुत कॉमन कंप्लेन है। अक्सर मरीज हमें आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे गले के अंदर सफ़ेद निशान है, गले में इन्फेक्शन है, गले में दर्द होता है, गले में कुछ फंसा हुआ लगता है, गले में से गंदी बदबू आती है। तो एग्जामिन करके देखा जाता है कि टॉन्सिल के अंदर छोटे छोटे सफ़ेद निशान हैं जो कि हार्मफुल नहीं है, उसमें घबराने का कुछ नहीं है। हमारे टॉन्सिल के सरफेस में छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, उसके अंदर धीरे धीरे करके खाना अगर इकट्ठा हो जाए या मुंह का छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर इकट्ठे हो जाए तो धीरे धीरे करके वो स्पेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं, फिर इसके अंदर स्टोन लगने लगते हैं। तो हमको ये ध्यान देना है कि हम ये सब खाना उसमें इकट्ठा ही ना होने दें। जब भी खाना खाएं तो नियमित रूप से गरारे करें, अच्छे से पानी पिए और मुंह की ओरल हाइजीन का ध्यान रखें। स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना पिए। जनरली जिन पेशेंट्स का ओरल हाइजीन पुअर होता है, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा ब्रश नहीं करते या खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते, जनरली ये कंप्लेन उन लोगों में ज़्यादा होती है। अगर छोटे स्टोन हैं तब तो सिर्फ गरारे करके ये प्रॉब्लम सेटल हो जाती है। अगर ये स्टोन ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो कभी कभी हमको उस स्टोन निकालने पड़ते हैं, तब आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट जो हैं वो ही उस स्टोन को निकाले तो बेटर है। आप अगर उसको ईयरबड से या किसी स्वैब से निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें से खून आने लगता है, फिर इस कंप्लेन से पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं। सिर्फ टॉन्सिल में स्टोन होना या टॉन्सिल में सफ़ेद दाग होना, इससे हम जनरली सर्जरी नहीं एडवाइस करते हैं। अगर ये बहुत बड़े हो जाते हैं, पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ देने लगते हैं या फिर कंजर्वेटिव मेजर्स मतलब गरारों से और दवाइयों से नहीं सेटल होते हैं, तभी इसकी सर्जरी एडवाइस करी जाती है। और इस केस में फिर पूरा का पूरा टॉन्सिल निकाल दिया जाता है जिससे कि उसके ऊपर कोई भी खाना इकट्ठा ना हो। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।